ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है विश्व नाटक के गुह्य राज पार्ट वन। प्रस्तावना। परमात्मा ज्ञान का सागर है, उसने हमको इस विश्व नाटक के सर्व राजों का, सर्व वेद शास्त्रों का सार समझाया है। जो राज हमारी बुद्धि में सदा जागृत रहे तो हमको सदा परमानंद की अनुभूति होती रहेगी। ये परमानंद की सदा अनुभूति करना और सर्व को अनुभूति कराना ही इस संगम युगी ब्राह्मण जीवन का सार है। हमारा परम कर्तव्य है उन सभी राजों का अधिक से अधिक ज्ञान हमारी बुद्धि में रहे, इसके लिए ही यहाँ पुरुषार्थ किया गया है। परमात्मा तो ज्ञान का सागर है, उसके बताए गए सर्व राजों को बुद्धि में रखना, उन सबका वर्णन करना तो गागर में सागर को समाना ही है, जो अति कठिन ही नहीं लेकिन असंभव ही है। परंतु पुरुषार्थ ब्राह्मण जीवन का परम कर्तव्य है। इस लक्ष्य से ही यहाँ हमने बाबा के महावाक्यों और अनुभवों के आधार पर कुछ राजों अर्थात ज्ञान बिंदुओं का वर्णन किया है और हर राज के केंद्र बिंदु पर पहुंचने का पुरुषार्थ किया है। विश्व नाटक की विविधता के अनुसार किसी के विचार इससे भिन्न और विशेष प्रभावशाली हो सकते हैं, क्योंकि इस विविधतापूर्ण नाटक में हर आत्मा की बुद्धि अपनी अपनी है। एक आत्मा के अपने ही विचारों में देश काल परिस्थिति के अनुसार भिन्नता हो सकती है। हर आत्मा में कोई न कोई विशेष गुण और शक्तियां हैं। यदि वे अपने विचारों से हमको अवगत कराएंगे तो हम अवश्य ही उन पर विचार करेंगे, और यदि वे तर्क संगत और बाबा के महावाक्यों के अनुसार होंगे, यथार्थ होंगे, तो हम उनको सहर्ष स्वीकार करेंगे। यह भी विचारणीय सत्य है कि परमात्मा ज्ञान सागर कल्याणकारी है, इसलिए बाबा ने मुरली में विश्व नाटक के अविनाशी सत्यों का भी ज्ञान दिया है, तो गुणों और शक्तियों का भी ज्ञान दिया है, और देश काल परिस्थिति एवं व्यक्ति को देखकर उसके कल्याणार्थ भी महावाक्य बोले हैं। अविनाशी सत्य तीनों कालों में सदा सत्य है, परंतु किसके कल्याणार्थ बोले गए महावाक्यों में भिन्नता होना स्वाभाविक है, क्योंकि वे देश काल परिस्थिति और व्यक्ति की स्थिति को देखकर बोले हैं। अगला टॉपिक है ज्ञान सागर परमात्मा के द्वारा उद्घाटित विश्व नाटक के गुह्य राज। ज्ञान रत्न जो अभी तुम लेते हो वह फिर सच्चे हीरे जवाहर बन जाते हैं। नवरत्न की माला कोई हीरे जवाहरों की नहीं है, इन रत्नों की ही माला है। मनुष्य लोग फिर यह रत्न समझ अंगूठियां पहन लेते हैं। इन ज्ञान रत्नों की माला इस संगम पर ही मिलती है। ये रत्न ही तुमको भविष्य 21 जन्म माला माल बनाते हैं। साकार मुरली की रिवाइज स्वीट है 10th जनवरी 1961।
तुम जानते हो इस रथ द्वारा बाप हमको सब राज समझाते हैं। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाया है। नई दुनिया स्थापन करना उनका ही काम है, ऐसे नहीं कि वहां बैठे स्थापना करते हैं। साकार मूल्य के रिवाइज डेट है 22 दिसंबर 2004। सत्य ज्ञान जीवन की परम प्राप्ति है, क्योंकि सत्य ज्ञान निर्भय निश्चिंत बनाकर परम सुख को देने वाला है। सत्य ज्ञान का दाता ज्ञान सागर परमात्मा है, वह अभी सत्य ज्ञान दे रहा है। ज्ञान की इस सत्यता को समझकर और धारण कर परम सुख को अनुभव करना और कराना हम आत्माओं का परम कर्तव्य है। यह बना बनाया खेल है ना, यह बेहद का बाप समझाते हैं उनको ही सत्य कहा जाता है। सत्य बातें तुम संगम पर ही सुनते हो, फिर तुम सत्युग में जाते हो। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में उतना ही टाइम लगता है जितना टाइम बाप यहाँ रहते हैं। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 17 अक्टूबर 2004। गौ धन, गज धन, बाजी धन और रत्न धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धुरी समान। संपन्नता संतुष्टता का आधार है, संपूर्णता संपन्नता का आधार है। ज्ञान धन संपूर्णता का आधार है, परमात्मा ज्ञान का सागर है। बाबा की मुरली है विश्वनाथक के सर्वराजों की खान। इस ज्ञान वर्णी में ज्ञान सागर बाप ने इस विश्वनाटक के सर्व राजों का रहस्य उद्घाटन किया है। जिन राजों को जानने वाला इस विश्वनाटक के परम सुख को अनुभव कर सकता है। ज्ञान चिंतन ही सत्य को अनुभव करने और धारण करने का एकमात्र साधन है। ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है उसका चिंतन कर उसके गुणधर्मों प्रभाव को जानने और अनुभव कर धारण करने से ही आत्मा संपन्न बनती है, उसका सुख अनुभव करती है। ईश्वरीय ज्ञान परम सुख को देने वाला है। आत्मिक स्वरूप सच्चिदानंदमय है, परमात्मा सच्चिदानंद सागर है। ये विश्वनाटक परम सुखमय है। जो आत्मा इनके रहस्यों को जानकर अनुभव कर संपन्न बनती है वही इनके सुरदुर्लभ परमानंद को अनुभव करती है। ये संगम युगी ब्राह्मण जीवन कल्प का फूल है और परमानंदमय है। चिंतन ही इस सब को अनुभव करने और धारण करने और उसका सुख अनुभव का एकमात्र आधार है। परमात्मा ज्ञान का सागर है, उसने हमको ज्ञान के अनेक राज बताए हैं जो सदा हमारी बुद्धि में जागृत रहेंगे तो बुद्धि सदा भरपूर रहेगी, आत्मा सदा संपन्नता का अनुभव करेगी, आत्मा सदा साक्षी स्थिति में रहेगी और सदा सुख शांति आनंद का अनुभव करेगी। खुशी का पारा सदा चढ़ा रहेगा क्योंकि ज्ञान धन सर्वश्रेष्ठ धन है और ज्ञान धन से संपन्न आत्मा ही संपूर्णता का अनुभव कर सकती है। संपूर्णता से ही संपन्नता का अनुभव होता है। संतुष्टता संपन्नता का दर्पण है। संतुष्टता जीवन की सर्वोत्तम प्राप्ति है।
यह वंडरफुल दुनिया है, कैसे स्वर्ग बनता है और फिर कैसे नरक बन जाता है, यह सब राज बाप ही बच्चों को समझाते हैं। यह स्पिरिचुअल नॉलेज जो स्पिरिचुअल फादर व तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई दे न सके, तुम ब्राह्मणों के सिवाय और किसको यह रूहानी नॉलेज मिल न सके। जब तक ब्राह्मण न बने तब तक देवता बन ना सके। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 8 जनवरी 2005। इन सब राजों को जानने और अनुभव करने के लिए ज्ञान सागर परमात्मा के साथ बुद्धि योग स्थिर करके उन राजों का मनन चिंतन करेंगे, विचार सागर मंथन करेंगे, तभी उनका गुह्य रहस्य अनुभव होगा और आत्मा उनका सुख अनुभव करेगी। ये ज्ञान के गुह्य रहस्य परम धन है, जिसको धारण करना और कराना ही ब्राह्मण जीवन का परम कर्तव्य है। इसलिए बाबा ने कहा, अनुभव सबसे बड़ी अथॉरिटी है, अनुभवी कब धोखा नहीं खा सकते हैं। प्रश्न, ज्ञान सागर बाबा ने हमको क्या क्या राज समझाए हैं और वे राज हमारी खुशी में कैसे वृद्धि कर सकते हैं तथा कैसे वह खुशी स्थायी रह सकती है। दूसरा प्रश्न है, ज्ञान सागर बाप आकर हमको कौन कौन से राज समझाते हैं जिसके कारण हमारी चढ़ती कला होती है और जिसके लिए ही आधा कल हम बाप को याद करते हैं। ज्ञान सागर बाबा ने हमको इस विश्व नाटक के सभी राजों का ज्ञान दिया है और उनमें स्थित होने की प्रक्रिया बताई है। जब तक वे राज हमारी बुद्धि में स्पष्ट नहीं होंगे और उनका रहस्य बुद्धि में स्पष्ट नहीं होगा तथा उनमें स्थित होने की प्रक्रिया का सफल अभ्यास नहीं होगा, और तब तक इस ब्राह्मण जीवन का सच्चा अविनाशी सुख अनुभव नहीं कर सकेंगे। साथ ही बाबा ने इस सत्य का भी ज्ञान दिया है कि ये ज्ञान एक सेकंड का भी है, अर्थात अपने को आत्मा समझ एक बात दुमिसरा न कोई की स्थिति में स्थित आत्मा के सारे कार्य परमात्मा सिद्ध करता है, परंतु इस सत्य को भी भूलना नहीं चाहिए कि हमारी इस स्थिति की परीक्षा भी होगी, अर्थात माया हमारी बुद्धि को परमात्मा से हटाने का पूरा प्रयत्न करेगी। बाबा भी कहते हैं, रुस्तम से माया भी रुस्तम होकर लड़ती है। भक्ति और ज्ञान का रास अभी तुम बच्चों ने समझा है, सीढ़ी और झाड़ में यह सब समझाने हैं, फिर अंत मति सो गति हो जाएगी। गति कहा जाता है शांति धाम को और सदगति होती है यहाँ, सदगति के अगेंस्ट होती है दुर्गति। अभी तुम बाप और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 27 जुलाई 2004। मुरली मिस कर देते हैं। बाप कहते हैं, कितनी गुह्य गुह्य बातें तुमको सुनाता हूँ, जो सुनकर धारण करना है, धारणा नहीं होगी तो कच्चे रह जाएंगे। बहुत बच्चे भी विचार सागर मंथन कर अच्छे अच्छे पॉइंट सुनाते हैं, तुमको तो अथाह खुशी होनी चाहिए। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 29 जुलाई 2004। दिखाते हैं सागर से देवताएं रत्नों की थालियां भर भर कर देते थे। वास्तव में ज्ञान सागर बाप है
जो तुम बच्चों को ज्ञान रत्नों की थालियां भरकर दे रहे हैं। भक्ति मार्ग में भी किसी भक्त आत्मा ने गाया हुआ है, जिन खोजा दिन पाइया गहरे पानी बैठ, मैं बपूरा बुढ़न डरा रहा किनारे बैठ। परमात्मा ज्ञान का सागर है, उनके हर महावाक्य में मुरली की प्रत्येक लाइन में एक नया राज है, क्योंकि जैसे ये विश्व नाटक नित्य नया है, ऐसे परमात्मा का हर महावाक्य एक नए राज से भरा हुआ है। उन सब राजों का यह वर्णन करना तो गागर में सागर भरने के समान है। परमात्मा के दिए ज्ञान के सब राजों को समझना तो साधारण मनुष्य की बुद्धि से परे की ही बात है। इसलिए ज्ञान सागर बाबा ने ज्ञान के जो अनंत राजों का ज्ञान दिया है, उनमें से हमने यहाँ कुछ राजों का वर्णन करने का पुरुषार्थ किया है, जो सागर में एक बूंद के समान ही है। ज्ञान सागर बाप ने हमको विश्व नाटक के जिन राजों को बताया है, अर्थात गुह्य रहस्यों का जो ज्ञान दिया है, उनमें मुख्य मुख्य की लिस्ट विषय सूची में दिखाई गई है। अगला टॉपिक है विवेचना, विचार, भाव, अर्थ और ईश्वरीय महावाक्य। हर राज को केंद्र बिंदु क्या है, वह सदा बुद्धि में रहे, तभी समय पर उसका लाभ उठा सकते हैं, उसका सुख ले सकते हैं। इसलिए परमात्मा ने जो राज बताए हैं, जिनका ज्ञान हमारे बुद्धि में होना परम आवश्यक है, जिनको हम मुरली से तो सुनते ही है और उसकी सत्यता, उसके महत्व पर विचार भी करते हैं और उसको जीवन में धारण करने का प्रयत्न भी करते हैं, परंतु उस राज का केंद्र बिंदु क्या है जो हमको अपनी बुद्धि में सदा रखना है, जिससे वह हमारे जीवन को सुखमय बनाने और किसी परिस्थिति को पार करने में सहायक हो, उससे हमारे जीवन में खुशी की लहर का संचार होता रहे। उसके लिए संक्षेप में यहाँ कुछ विचारों को लिखा गया है और साथ में उससे संबंधित बाबा के महावाक्यों को उद्धृत किया गया है। अभी तुम बच्चों को मूल वतन से लेकर सोल वतन तक के सब राज समझाए हैं। मूल वतन का राज बाप के बगैर और कौन समझाएंगे? तुम औरों को भी आप समान बनाएंगे तो बहुत उच्च पद पा सकते हो। अब बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला है, काम महाशत्रु है, इस पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाएंगे। साकार मोबिक रिवाइज डेट है 23 सितंबर 2004। ज्ञान की सत्यता का राज। सत्य ज्ञान है, कौन सत्य ज्ञान का दाता है और सत्य ज्ञान का फल क्या होता है, सत्य ज्ञान की धारणा वाले व्यक्ति की स्थिति क्या होती है, ये सब राज अभी परमात्मा ने बताए हैं। सबसे बड़े ते बड़ी शक्ति व अथॉरिटी सत्यता की ही है। सत अर्थात सत्य और सत अर्थात अविनाशी। दुनिया में भी कहते हैं सत्यम शिवम सुंदर। साथ साथ परमात्मा को सच्चिदानंद स्वरूप भी कहते हैं, आत्माओं को सच्चिदानंद स्वरूप कहते हैं। अव्यक्तवाणी की डेट है 20 मार्च 1987। सत्य के लिए गायन है, सत्य की नाव डोलेगी लेकिन डूबे ही नहीं। आप लोग भी कहते हो सच तो बीठो नच,
सत्यता की शक्ति वाला शक्तिशाली होगा, उसमें सामना करने की शक्ति होगी, इसलिए कब घबराएगा नहीं। अव्यक्तवाणी की डेट है 20 मार्च 1987। सत्यता वृद्धि को प्राप्त करने की विधि है। सत्यता की शक्ति से सत्य बनाते हो, स्वयं भी सत्य नारायण बनते हो। सत्य ज्ञान है, सत्य बाप का ज्ञान है, इसलिए दुनिया से नारा और प्यारा है। अव्यक्तवाणी की डेट है 20 मार्च 1987। सत्यता की शक्ति वाले विजयी अवश्य बनते हैं। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियाँ सर्व प्राप्ति है, तो इतनी ऑथोरिटी का नशा रहता है। सत्यता की ऑथोरिटी वाले की वाणी में स्नेह और नम्रता होगी। अव्यक्तवाणी की डेट है 20 मार्च 1987। सत्यता की ऑथोरिटी वाले निरहंकारी होते हैं, तो ऑथोरिटी भी हो, नशा भी है और निरहंकारी भी हो, इसको कहते हैं सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप। अव्यक्तवाणी की डेट है 20 मार्च 1987। ज्योति खंड में ब्रह्मा बाप को सत्यता की ऑथोरिटी का प्रत्यक्ष साकार स्वरूप देखा न। ऑथोरिटी के बोलों में स्नेह समाया हुआ है, निर्माणता है, निरहंकार है, इसलिए ऑथोरिटी के बोल प्यारे लगते हैं। तो सेवा में, कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप है। अव्यक्तवाणी की डेट है 20 मार्च 1987। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष भी करेंगे, लेकिन स्नेह से बच्चे बच्चे कहते नया ज्ञान सारा स्पष्ट कर देंगे, इसको कहते हैं स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस। तो सेवा में इस बैलेंस को अंडरलाइन करो। अव्यक्तवाणी की डेट है 20 मार्च 1987। निर्भयता की ऑथोरिटी जरूर रखो। एक ही बाप का नया ज्ञान सत्य ज्ञान है और नए ज्ञान से नई दुनिया की स्थापना होती है। यह ऑथोरिटी और नशा स्वरूप में इमर्ज हो, धरने, नर्स, समय, यह सब देखकर ज्ञान देना, यह नॉलेज फुल की निशानी है। अव्यक्तवाणी की डेट है 20 मार्च 1987। कोई भय ना हो, निर्भय होकर धरनी फल बनाए। यह जरूर है कि जैसा व्यक्ति वैसी रूपरेखा बनानी पड़ती है, लेकिन व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आ सकते। अपने सत्य ज्ञान की ऑथोरिटी से व्यक्ति को परिवर्तन करना है, यह लक्ष्य नहीं भूलो। अव्यक्तवाणी की डेट है 20 मार्च 1987। इस मधुबन की धरनी पर आने से उनको यह जरूर मालूम पड़ना चाहिए, यह उलाहना न दे कि ऐसी धरनी पर भी मैं पहुंचा, लेकिन यह मालूम नहीं पड़ा कि परमात्मा ज्ञान क्या है। परमात्मा भूमि पर आकर परमात्मा की प्रत्यक्षता का संदेश जरूर ले जाए। अव्यक्तवाणी की डेट है 20 मार्च 1987। यह लक्ष्य जरूर रखो कि नई दुनिया का नया ज्ञान प्रत्यक्ष
जरूर करना है। अभी स्नेह और शांति प्रत्यक्ष हुई है। बाप का प्यार के सागर का स्वरूप, शांति के सागर का स्वरूप प्रत्यक्ष किया है। लेकिन ज्ञान स्वरूप आत्मा और ज्ञान सागर बाप है, यह प्रत्यक्ष कम हुआ है। अब एक दवाई की डेट है 20 मार्च 1987। इस धरनी पर आने से वे भी नर्म हो जाते हैं और नर्म धरनी बनने के कारण उसमें जो भी बीज डालेंगे उसका फल सहज निकलेगा। मधुबन धरनी पर छाप जरूर लगानी है। स्टैंप यहाँ मधुबन में ही लगेगी। अव्यक्तवाणी की डेट है 20 मार्च 1987। ओम शांति।